भाराची पापड़ौद कोटा में चिरंजीवी योजना में उत्कृष्ट सेवाएं देने पर भारतीय पत्रकार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नई मनी के नेतृत्व में कोटा के आधा दर्जन से ज्यादा चिकित्सालयों के चिकित्सकों का महासभा द्वारा माला पहनाकर एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान भारतीय पत्रकार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नई मनी ने जानकारी देते हुए बताया कि चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं से लाभान्वित होने वाले मरीजों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। उसी को लेकर भारतीय पत्रकार महासभा द्वारा उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों को सम्मानित किया गया है। मैं कुलदीप सिंह सिरे, आप देख रहे हैं मेरे साथ डीवी भारती न्यूज। आज हमें कोटा सुधा हॉस्पिटल में डॉक्टर कल्पेश अग्रवाल के साथ और पल्केश जी अग्रवाल के साथ, और आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि चिरंजीवी योजना से किन किन लोगों को अब तक ये क्या क्या सुविधाएं दे चुके हैं। नमस्कार, तो चिरंजीवी योजना जो चल रही है तो इससे क्या क्या फायदे हैं और अब तक के किन किन मरीजों को ऐसी बीमारियों से आप निजात दिला सके जो चिरंजीवी के माध्यम से ही सफल हो सके। मैं डॉक्टर पल्केश अग्रवाल, मैं खुद हार्ट सर्जन हूँ। तो पहले बताता हूँ जिन बीमारियों के बारे में हमने खुद ने इलाज कराया है पेशेंट्स का। हम छोटे बच्चों की हार्ट सर्जरीज करते हैं जिनका दिल में छेद होता है, छोटे बच्चे 1 महीने से कम के बच्चे भी, उनकी भी हार्ट सर्जरीज होती हैं। तो इन सब बच्चों के अक्सर माता पिता जो है इतने सक्षम नहीं होते कि 1.5-2 लाख का खर्चा उठा पाए, क्योंकि हार्ट सर्जरीज में अमूमन 1.5-2 लाख का खर्चा तो आता ही है। तो ये सारी ये जो ऑपरेशन हैं ये चिरंजीवी से एकदम निःशुल्क हो जाते हैं। चिरंजीवी के माध्यम से चिरंजीवी अच्छी योजना है, उससे काफ़ी सारे मरीजों को लाभ मिल रहा है। हार्ट के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, कई सारे दूसरे ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। हालांकि चिरंजीवी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कई चीज़ों का उस स्कीम में कुछ, और जैसे मेडिसिन में ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का, कुछ चीज़ें अच्छे से कवर्ड नहीं है, इस वजह से कुछ मरीजों को लाभ नहीं मिल पाता चिरंजीवी का। बाकी फिर भी काफ़ी सारे ऑपरेशन होते हैं उससे और काफ़ी सारी इलाज होता है, तो चिरंजीवी अच्छी योजना निकल रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।